निकिम जो पिशक मिस्टर निकिम जो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ टू बी ए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ब्रांड न्यू सिल्वर। थैंक ओके, यू थैंक सो मिस्टर निकिम जो पिशक, यू आर ए ब्रांड न्यू सिल्वर, आपने किया है, हाउ यू आर फीलिंग, कैसा लग रहा है आपको जो है? यू। सर ज्यादा माँ जी कहीं ताब ब्रांड न्यू आपका सिल्वर होगी, कई भागे होगा। सर रिपीट ओके, तो मैं ये कहना पूछ रहा था आपसे कि आपने अभी नया ब्रांड न्यू सिल्वर बने हैं फर्स्ट टाइम, कैसा लग रहा है आपको, हाउ यू आर फीलिंग? एम वेरी हैप्पी सर। आई मुझे 11 ओके, सो यू आर नॉट हैविंग इंटरनेट एट योर होम, आउट होम? नो माय हाउस नो इंटरनेट सर। नो इंटरनेट, ओ माय गॉड, एंड यू आर ए सिल्वर एंड यू आर लिविंग इन इम्फाल, सो अमेजिंग, वेरी राइट नाउ वेरी डिस्टर्ब्ड एरिया, एंड इट्स रियली एक्साइटिंग टू नो दैट आप लोग कर पाए हैं। और मैं यहाँ पे जो भी लोग देखेंगे उनको बताना चाहूंगा कि मिस्टर निकिम जो पिशक इज ए ब्रांड न्यू सिल्वर, इज अप्लाइन मिस्टर निकिम जो इज ए अगेन ए ब्रांड न्यू सिल्वर, एंड तरुण इज द अप्लाइन मेंटर फॉर ऑल दिस टीम। इम्फाल जैसे आप लोगों को पता है इज राइट नाउ इज नॉट इन द गुड शेप, बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं वहाँ पे, कर्फ्यू इज वेरी कॉमन, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे, प्रोडक्ट जो लेना होता है वो मिलता नहीं है, एंड वहाँ पर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं दोनों ब्रांड न्यू सिल्वर एक जगह बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ द चैलेंज ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल। इनफैक्ट मिस्टर नितिन जो पिशक जो ब्रांड न्यू सिल्वर है, हिज मोबाइल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली राइट नाउ, ये मेरे को बताया तरुण ने, बट ही इज ए सिल्वर, ब्रांड न्यू सिल्वर, सो एक्साइटिंग एंड वेरी वेरी सर अमेजिंग। तो मिस्टर नितिन जो, यू आर अगेन, यू आप यू बिकम ए ब्रांड न्यू सिल्वर एंड यू प्रोड्यूस वन सिल्वर डाउन लाइन टू यू, हाउ यू आर फीलिंग? वेरी गुड वेरी गुड, इतना इतना समय और इतना शान शान शो कर रहा था ना हम, लेकिन इसी वक्त मैंने कल भी कहा था आपसे, दिस टाइम इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स। नाउ वी नो व्हाट वी वांट, जो हमारा टारगेट एंड गोल इसी प्यार में इसी मन में, इसलिए बहुत खुश हो गया। और उसके साथ साथ मेरा फैमिली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा फैमिली एंड दिस सब, दे आर गोट एक्साइटेड नाउ। ओके, आपको कितना टाइम हो गया बिजनेस में मिस्टर नितिन जो? वो कहने में शर्म भी लगता है। एक्चुअली माई डेट ऑफ बर्निंग इज 22 फरवरी 2002, मोर देन 20 ईयर्स। वेरी कंसिस्टेंट इन आई बिजनेस। थिंक रिकॉर्ड बिकर होगा ओके, ना एंड मेरा, हाँ मैडम, आई एम वन ऑफ द रिकॉर्ड होल्डर्स। मिस्टर निकिम जा पिशक, हाउ मेनी इयर्स यू आर इन द बिजनेस, एमवे बिजनेस? सर आई स्टार्टेड फ्रॉम 2019, सही 19, था, ओके, 2019 अक्टूबर। सो यू आर वेरी वेरी न्यू टू द बिजनेस कंपेयर टू ऑल अदर्स। यस हाउ सर, ओल्ड आर यू, आप लोग यस कितने बड़े हैं, व्हाट इज योर एज मिस्टर निकिम जपिशा? ठीक है। आई एम सर, यस, आई एम 75, नियरली सेवेंटी ओह फाइव माय ट्वेल्व गॉड, इयर्स एंड यू मिस्टर निकिम जो, 80 ईयर्स, 80 80 ईयर्स, ईयर्स ऑफ एज। ओह गॉड,
amazing. हाँ So, my next question is to you, Tarun. Tarun, you're dealing with the people of this age. इतनी बड़ी एज के लोगों को डील करते हुए दिक्कत नहीं होती है तुम्हें जो है? दे आर ऑलमोस्ट मोर देन डबल, ऑलमोस्ट डबल द एज ऑफ यू. ये सबसे बड़ी एक सिचुएशन बनता है, चैलेंजिंग बनता है कि हमारी मेरे हिसाब से मेरे पिता समान का उम्र है, और हम ऐसी पिता समान को इस बिजनेस में गाइड करना और उनको मींस मेंटरशिप देना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि इन दोनों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज एंड विजडम है अपनी लाइफ को अभी तक की लाइफ जी के आने का। तो उसके साथ ही साथ बिजनेस में काफी अभी ग्रो हो रहे हैं, और काफी हमने भी उन लोगों से, इन दोनों से सीखा है, बहुत ज्यादा कुछ सीखा है लाइफ की बारे में, और अपनी मीन्स आपस में हम एक्सचेंज करते हैं नॉलेज, और हम ग्रो करने के लिए, करने की दिशा पे, डायरेक्शन पे ही हम बातें होती है। तो कभी कभी मीन्स ये चैलेंजिंग ये है कि हमारा जनरेशन का जो थॉट प्रोसेस है और इनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क है, अंतर है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ऐसी दुनिया में अभी लाइफ जी रहे हैं जो अभी हम बोलते हैं डिजिटल वर्ल्ड, तो उनकी उनकी साइड से देखेंगे तो डिजिटल वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मीन्स अलग है, और काफ़ी हमें, मैं प्राउड फील करता हूँ काफ़ी ऐसी उम्र में भी इन दोनों को इतना मीन्स रेडी होता है लर्न करने के लिए, और अभी इवन मीन्स ऐसी 75 ईयर्स क्या है, ऐसी इतना उम्र होने के बाद भी बहुत रेडी होता है, रेडी हो गया है, और बस अभी भी इनकी इन दोनों के अंदर जुनून ये है कि हमें और ज्यादा कुछ सीखना है, और हमें लाइफ की एंड तक मीन्स ऐसी बिजनेस के साथ जुड़ के मीन्स एटलीस्ट हमें डायमंड बन के जाना है, वो उनका माइंडसेट यही है। बढ़िया है. मेरा ये एज टेक्नोलॉजी वन पार्ट, लेकिन जो हम लोग यहाँ बैठे हुए सुनते हैं, द सिचुएशन ऑफ इम्फाल जो बहुत नॉर्मल है राइट नाउ, और हम लोगों से बेहतर आप लोग जानते हैं, तो वो सिचुएशन में बिजनेस क्या, सिचुएशन क्या है, थोड़ा ये भी बताएं. और ये तीनों से क्वेश्चन है आप लोगों से, एंड हाउ डिड यू बिल्ड इट अप, कैसे इस सिचुएशन में बिल्डअप किया? मैं थोड़ा सा इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। पावुंग वजा हायरी से अखोई की मणिपुर की सी की सिचुएशन सीधा करम पोंगदा कमाई ना वखंद करी फील तौरगा बिजनेस से कमाई ना बिल तौगे कमाई सागत के है बदुनी हंगी से अदो हाइपतंग पावुंग अमसुंग वजा देगी वाहरी मते मते क्वेश्चन नंबर 3 मामला हार जाएगा अंडर करंट। या एक्चुअली ये एमवे बिजनेस दिस इज वन ऑफ द यूनिक बिजनेस, क्योंकि ये इन एनी कंडीशन इन एनी सिचुएशन ये बिजनेस तो चलते रहते हैं मणिपुर में भी। ये अभी अभी इसका यहाँ का हालत बहुत खराब होता है, लॉ एंड ऑर्डर एंड सो मेनी बन सो मेनी कर्फ्यू सो मेनी लॉग आउट इन द ऑफिस, स्टिल वी आर गोइंग डूइंग द बिजनेस बिकॉज द प्रोडक्ट्स एमवे कंपनी प्रोड्यूसेस इज ऑल द इंसेंशियल आइटम्स इन एनी सिचुएशन इन एनी कंडीशन और डे टू डे लाइफ ऑल द थिंग्स सब चीज दरकार होते हैं, इसीलिए खरीदना पड़ता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आवर हेल्थ सेक्टर हेल्थ एंड अवेयरनेस सेक्टर न्यूट्राइड के आइटम बहुत पॉपुलर हो गया है अभी हर जगह हर फैमिली एवरी
फैमिली में कुछ हार्ट पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट हर घर में हो रहे हैं आजकल, इसीलिए ये प्रकोप चलते रहते हैं। उसी कारण ये बिजनेस तो इन एनी कंडीशन में इन सिचुएशन चलते रहते हैं। ओके, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड मिस्टर निकिंजा पिशक? ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯒꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯨ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯡꯕꯤꯗꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯄꯨ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤꯒꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ, ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯔꯅ ꯑꯝꯇꯪ हाँ, हम थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हैं। निखिल जी का कहना ये है कि बिजनेस इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि आज की डेट में सभी लोगों का हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हुआ है और प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा क्वालिटी है तो लोग एक बार किसी ने यूज़ कर लिया तो मीन्स दोबारा वो रिपीट ऑर्डर आते हैं। उसके कारण मीन्स बिजनेस चलने के लिए मीन्स वहाँ पे बन जाते हैं और उसके साथ ही साथ मीन्स कंपनी इतना हम सभी के लिए सपोर्ट दे रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी थोड़ा बहुत मीन्स टाइम दे के हमारे पास प्रोडक्ट को अवेलेबल होने के लिए मीन्स ऑफिस खोल के मीन्स जो भी टाइम मिलता है उसमें ऑफिस खोल के हम सभी के लिए अवेलेबल करा देते हैं। और उसके साथ ही साथ मीन्स हमारी अंदर जब कुछ करने के लिए मीन्स हम डिसाइड करते हैं और उसको पाने के लिए हम मीन्स मेहनत करते हैं तो हम जरूर उसको हासिल कर सकते हैं और हम कामयाब बन सकते हैं। वेरी नाइस अरुण। ये अब मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि इम्फाल में क्या रियलिटी है, क्या सिचुएशन है और तुम लोग किस तरह से बिजनेस को बिल्डअप करते हो, क्या चैलेंजेस आए और कैसे ओवरकम किया? चैलेंजेस बहुत बहुत सारा है। सबसे पहले प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, इश्यू है हमारे यहाँ पे। मीन जो हाईवेज है वो ब्लॉकेड है और वहाँ सामान बहुत इजीली नहीं आते हैं और मीन्स बॉर्डर पे माना मणिपुर असम बॉर्डर पे जब एमवे गुवाहाटी से या जो जहाँ से भी मेन वेयर हाउस है वहाँ से भी सामान भेजते हैं तो बॉर्डर पे मीन्स कम से कम 10-15 दिन वहाँ पे रुकना पड़ता है। मीन्स टाइम टाइम देखना पड़ता है कब ये मीन्स सिक्योरिटी लोग सिक्योर होके मीन्स डिप्लॉय करके वहाँ से गार्ड करके वो ट्रक के साथ में लेके आएंगे वो कब उनका चांस मिलता है वो पता नहीं चलता है। तो ऐसे में मीन्स हम लास्ट मंथ सितंबर में बहुत मुश्किल से हमने ये पिन अचीव किया है क्योंकि प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही नहीं था। मीन जब बहुत सारे लोग ऑर्डर भी करते हैं तो भी जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है तो किस तरह से बिजनेस करें, तो वो वाला चैलेंजिंग था। और अभी सिचुएशन अभी भी टेंस है और अभी भी हम नहीं रहा है पीस नहीं हो रहे हैं और आज की डेट में हमारी जो सिचुएशन वायलेंस जो चल रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे अभी तक ऐसे पब्लिक ऐसे मीन्स सिटीजन ऑफ द स्टेट और कंट्री तो हमें आइडिया कुछ भी नहीं मिल पा रहे हैं और हर रोज कहीं ना कहीं मीन्स वायलेंस होते रहते हैं और हम
पता नहीं, माइंड में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है कि हमें जी पाएंगे और मीन्स क्या करना है, आगे किस तरह से जाएंगे, वो वाला सिचुएशन। जब आँख खुलता है सुबह तो हमें वही शुरुआत, वही सोचना शुरू हो जाता है कि हम आज क्या होगा, वो वाला सिचुएशन है। नॉर्मलसी कब आएंगे पता नहीं। माय गुडनेस, सो टफ। हैट्स ऑफ टू यू, मैं कहूंगा कि बहुत ही मोटिवेटिंग जर्नी है लोगों की। और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जस्ट वन मैसेज आप क्या देना चाहेंगे मिस्टर निकुंजा, मिस्टर नितिन जैन, तरुण, वन मैसेज टू टू द टीम जो आप देना चाहेंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं या क्या क्या कहना चाहेंगे? तो मे बी तरुण, यू कैन एक्सप्लेन देम। हाँ जी, ओजाजू पाबुंगसु मयामदा सुम मेसेस अमतंग पीनिंग बा लेरगदी मेसेस अमुम पिबियु हाइब। From my side, जो डेस्टिनेशन हम जाना चाहेंगे तो 80 रास्ते में इन द राइट ट्रैक एंड इन द राइट डिरेक्शन इफ वी आर गोइंग कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली वन डे वी आर श्योर टू रीच द डेस्टिनेशन. दिस इज माई मैसेज. यस मिस्टर निकिंजा पिशक, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? मैं तीन मैसेज टारगेट फंगदे कन्न होनेर खलगा सोईदना फंगी पांडा यू नोनी खुदमक ओके, इनका कहना है जिनको भी माइंड में जो जहाँ जहाँ पे पहुँचने के लिए डिसाइड करते हैं और उसको हम उसकी तरफ जाने के लिए हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम उसके लिए जो भी लगता है हम काम करते जाएंगे तो हम जरूर वहाँ पे पहुँच के हम सक्सेस मिल पाएंगे। और मीन्स ड्रीम्स बहुत बड़ा होनी चाहिए, ड्रीम्स के साथ हम बिल करते हैं और उसको पाने के लिए हम काम करते हैं, बस जरूर उसको पाएंगे। करण, वन फाइनल मैसेज फ्रॉम योर साइड। फाइनल मैसेज मेरे तरफ से बस वही है कि लाइफ इस जर्नी, तो डेस्टिनेशन मीन्स एक बार मीन्स कभी ना कभी डेस्टिनेशन मीन्स एक जगह पे पहुंचता है तो दूसरा डेस्टिनेशन हमारे दिमाग में आते हैं, वो चलते जाना है। ओनली थिंग इज हमें कंसिस्टेंस और परसिस्टेंस के साथ, और हम उतना एफर्ट डालें कि हमारी लाइफ को कोई मीन्स कितना भी चैलेंजिंग आए, हमें उसको फोकस को हमारी सामने से हटाना नहीं है और उसी तरफ हम मेहनत करेंगे तो जरूर मीन्स ऐसी कितना भी वायलेंस, कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन भी आते हो, इफ इफ यू आर थिंकिंग राइट एंड इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर डेस्टिनेशन, तो जरूर उसमें एफर्ट डालेंगे तो जरूर हमें वहां तक तो पहुंच पाएंगे। थैंक यू। बढ़िया, मैं लास्ट में बस ये कहना चाहूंगा, फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन 75 ईयर्स एंड 80 ईयर्स? इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कर्फ्यू की प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, लाइफ की अनसर्टेनिटी जरूरत से ज्यादा है, वॉयलेंस है, एंड देयर द ब्रांड न्यू सिल्वर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड इम्फाल। तो हम लोग एक बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं, एंड और बहुत सारे पिन और बहुत सारे आप लोगों से
सक्सेस आने वाला टाइम में उम्मीद करते हैं विद दिस. थैंक यू एवरीवन.